Hello friends, I Dr. Vivek Kumar Srivastava welcome all of you in this third part of the real analysis. So in this section we will solve 10 problems from basically the convergence of sequence series and uniform convergent. तो देखिए इससे पहले कि हम लोगों ने जो दो लेक्चर में कवर किया उसमें अगर कोई क्वेरीज है तो उसे आप भेज सकते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी देखिए कुछ लोगों की क्वेरीज आई है कि कम्पैक्टनेस से शुरू करने के लिए, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पहले सीक्वेंस और सीरीज खत्म हो जाए इसके बाद फिर आगे हम अगले पार्ट में शुरू करेंगे जो भी टॉपिक्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, द सीरीज समेशन 1/3 रेज टू द पावर एन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट, सेकंड इज डाइवर्ज टू माइनस इनफाइनाइट, थर्ड ऑप्शन इज कन्वर्जेस टू 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज कन्वर्जेस टू 1/2। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सीरीज है क्या। तो कोई भी टेस्ट लगाने से पहले तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 4 डॉट 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 द एन टर्म विल बी 1/3 रेज टू द पावर एन प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/3। तो हमने इसमें देखिए एक तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो पूछा है और एक जगह ये भी पूछा हुआ कि कन्वर्जेंस 1/3, दूसरे में कह रहा है कन्वर्जेंस 1/2। तो सबसे पहले इसका हम समेशन निकालते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सीरीज है तो इसका हम समेशन आराम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए फर्स्ट टर्म 1 - r रेज टू द पावर n और डिवाइडेड बाई 1 - r। तो इसका फर्स्ट टर्म है 1/3 और रेशियो जो कॉमन रेशियो है देखिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। सो इट इज 1/3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 - r, r मीन्स 1/3 कॉमन रेशियो, तो 1/3 रेज टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई 1 - 1/3। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल गिव 1/3 इन द डिनोमिनेटर इट इज 1 - 1/3 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2/3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/2 एंड इन द ब्रैकेट 1 - 1/3 रेज टू द पावर n। देखिए हमें ये निकालना है कि n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं और देखते हैं सीरीज क्या होता है, जो हमने ये समेशन निकाला है सीरीज का। तो n टेंस टू अगर इनफाइनाइट करेंगे तो 1/2 1 - 1/3 पे पावर n। देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/2 - 1/2 इंटू 1/3 रेज टू द पावर n, और अगर आप n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो 3 पे पावर इनफाइनाइट दैट इज इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट दैट इज 0। सो अल्टीमेटली क्या बचा, 1/2 ही सिर्फ बचा। सो n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये लिमिट क्या दे रहा है 1/2। दिस मीन्स दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेस टू 1/2। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो देखिए कोई भी सीरीज अगर आवे तो उसे थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना है कि हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द फॉलोइंग सीरीज इज 1/3 प्लस 1.2, ये डॉट टू है, बाई 3.5 प्लस 1.2.3 डिनोमिनेटर 3.5.7 प्लस 1.2.3.4 और इधर 3.5.7.9 डॉट 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 ये आ गया। देखिए इस सीरीज के बारे में भी पूछा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है नॉट कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसका एनर्ट टर्म क्या बन रहा है। देखिए इसका एनर्ट टर्म कोई भी मेथड लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है। इसका अगर हम एनर्ट टर्म देखें तो इसका एनर्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म देखिए 1 है, सेकेंड टर्म 1.2, थर्ड टर्म 1.2.3, फोर्थ टर्म है 1.2.3. इसका एनर्ट टर्म क्या हो जाएगा 1.2.3.4.
और ये वाला अगर सीरीज देखिए जो डिनोमिनेटर में है, 3, 3.5, थर्ड 3.5.7, तो इसका एनर टर्म जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2n+1, राइट। सिंपल अर्थमेटिक सीरीज है तो इसका एनर टर्म हो जाएगा 2n+1। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं और करके टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है, जिसके लिए हमें यू एन प्लस वन भी निकालना होगा। तो यू एन प्लस वन निकाल लीजिए तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू एन, और इसके आगे क्या हो जाएगा, एक और टर्म एन प्लस वन आ गया तो एन प्लस वन। और इसी तरीके इस डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3.5.7.9... टू एन प्लस वन है और एक टर्म और बढ़ा, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे तो 2n+2+1 आ गया, यानी 2n+3, राइट। नाउ वी कैलकुलेट द रेशियो, दैट इज यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन। तो यहाँ से देखिए लिमिट एन टेंस टू, जैसे ही आप इनफाइनाइट करेंगे यू एन प्लस वन बाई यू एन, दैट इज एन टेंस टू इनफाइनाइट। और यहाँ से देखिए यू एन प्लस वन बाई यू एन करेंगे तो यहाँ से एन तक का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 to n और 3 to 2n+1, सिर्फ आपका क्या बचेगा, एन प्लस वन बाई 2n+3। नाउ एज एन टेंस टू इनफाइनाइट हम यहाँ से n को कॉमन ले सकते हैं। अगर n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप कॉमन लीजिए तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 + 1/n एंड डिनोमिनेटर में 2 + 3/n। ठीक है, यहाँ n n कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही n टेंस टू हम इनफाइनाइट करेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट तो 1/n 1/∞ दैट इज 0, 3/∞ दैट इज ऑल्सो 0। सो 1/2 ही सिंपली बचेगा, विच इज लेस देन 1। और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, इफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन प्लस वन बाई यू एन विच इज लेस देन वन, इन दैट केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो इन दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखिए हर टेस्ट को आपको करके, जरूरी नहीं है करके आप देखना, आप पहले से ही उसके एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कौन सा जो मेथड है कौन सा सुटेबल है फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए हमने इसमें CSIR के भी प्रॉब्लम लिए हुए हैं जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। देखिए एक और टेस्ट है, कासी कंडेंसेशन टेस्ट है, एक लॉग जो लॉग वाले टर्म होते हैं और पर्टिकुलरली दिस फॉर्म उसके लिए होता है। और इसमें इस फॉर्मूले पे बहुत सारे CSIR में प्रॉब्लम देखा है, कई बार आए हुए हैं। ये क्या कह रहा है, इसका डायरेक्ट देखिए ये शॉर्टकट है, 1 + 1/2 log 2 पावर p। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 log 2 पावर 1/3 (log 3)p + 1/4 (log 4)p 1...n log n^p +...is। अब देखिए ये कब कन्वर्जेंट होता है, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है, और p की वैल्यू अगर लेस देन आर इक्वल टू हो तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग इसका कैलकुलेशन करने लगे, कैलकुलेशन करने की देखिए आपके पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, उस कम टाइम में कोशिश करिए जितने भी शॉर्टकट फॉर्मूले हैं अगर उनका यूटिलाइजेशन करके हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो हमें वही रूल अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हमें 2 से 3 या 4 मिनट में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, कैलकुलेशन जितना कम करना पड़े उतना ही अच्छा रहे। तो देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का CSIR में आया भी हुआ है, द फॉलोइंग सीरीज इज 1 + 1/2 log 2^5 +1/3 log 3^5 +1/4 log 4^5। देखिए सारे 2, 1 फिर 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4, n log n, बस हम इस पे पावर देखना है, log 2 पे पावर क्या है 5, log 3 पे पावर 5, log 4 पे पावर 5, log n पे पावर 5। अब देखिए आपको पहले से ही पता है क्या, अभी जैसा हमने कासी कंडेंसेशन टेस्ट देखा उसमें क्या है कि इफ p इज ग्रेटर देन 1 इन दैट केस द सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट, एंड इफ इट इज लेस देन आर इक्वल टू, मींस p is less than or equal to 1, इन दैट केस इट इज डाइवर्जेंट, सिंस इन दिस केस p इज 5, यहां देखिए 5, p की जगह क्या लिखा हुआ 5, सो 5 लिखा हुआ है, यानी विच इज ग्रेटर देन 1 दैट इज द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो देखिए इस तरीके का प्रॉब्लम आता रहता है, हमें बहुत ध्यान से
अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो उसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो उसे जरूर करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता ही रहता है और इन दोनों में दो अलग अलग टेस्ट लगते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द टू सीरीज, पहला कह रहा है FN 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 ……… और GN कह रहा है 1 − 1/2 + 1/3 − 1/4 + 1/5 ……… −1n। देखिए पहला जो सीरीज है वो सारे पॉजिटिव टर्म है, दूसरा अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, अल्टरनेट करके प्लस माइनस आ रहा, तो इसके ये देखिए ये तो बहुत आसानी से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। इसमें चार ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट FN जो दिया है सीरीज, FN एंड GN बोथ आर कन्वर्जेंट। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है FN इज कन्वर्जेंट, GN इज डाइवर्जेंट। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है बोथ FN एंड GN आर डाइवर्जेंट, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है FN इज डाइवर्जेंट, GN इज कन्वर्जेंट। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट जो FN दिया है दैट इज समेशन 1/n, हम लिख सकते हैं इसका n टर्म दिया ही है। और आप पी टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई भी समेशन 1/n पे पावर पी है, n मीन्स नेचुरल नंबर, राइट, पी है, और पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है इन दैट केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इफ पी इज लेस देन आर इक्वल टू 1 इन दैट केस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन 1/n। और यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू क्या है, पी इज वन सो द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो FN जो है ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब आ जाइए अल्टरनेटिंग सीरीज जो कह रहा है 1 − 1/2 + 1/3 − 1/4 + 1/5। देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए लेबनीज टेस्ट का यूज करते हैं, और अल्टरनेटिव सीरीज के लेबनीज टेस्ट क्या कहता है, पहला जो ये माइनस को छोड़ दीजिए आप, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस वन पे पावर एन माइनस वन, ये क्या सिर्फ डिफाइन कर रहा साइन को, तो जो बचा हुआ टर्म है यानी 1/n ये होना चाहिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और 1/n इसको सीक्वेंस के फॉर्म में हम ले लेते हैं 1/n, और ये क्या बनेगा, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे आप, देखिए 1, 1/2 अलग अलग कर ले तो क्या हो रहा, कंटिन्यूसली 1/2 इज लेस देन 1, 1/3 इज लेस देन 1/2, 1/4 इज लेस देन 1/3, तो ये क्या हो रहा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहा है। जो इसका कोफिशियंट होगा 1/n वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं n टर्म को इनफाइनाइट करूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, सो इट मस्ट बी जीरो। अगर ये जीरो के बराबर आ जाता है तब जो दिया हुआ सीरीज है वो क्या होगा, दिया हुआ मतलब अल्टरनेटिव सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और हो भी रहा है। देखिए ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज थी, ये पहला मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और सेकंड जैसा ही n टेंस टू इनफाइनाइट किया दिस सीक्वेंस इज जीरो। तो जो FN था पहला वाला था जिसको मैंने P टेस्ट से टेस्ट किया था, वो क्या निकला था, P की वैल्यू 1 निकली थी और डाइवर्जेंट हो गया था। तो FN इज डाइवर्जेंट एंड GN जो सेकंड लिया हमने अल्टरनेटिंग सीरीज, उसको कैसे चेक किया, उसको हमने लेबनीज टेस्ट से चेक किया। तो पहला वाला डाइवर्जेंट है और सेकंड वाला कन्वर्जेंट, FN इज डाइवर्जेंट, GN इज कन्वर्जेंट। अभी देखिए ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही है, FN इज डाइवर्जेंट, GN इज कन्वर्जेंट, बाकी सब में गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में कह रहा है दोनों कन्वर्जेंट है, सेकंड वाले में कह रहा है FN कन्वर्जेंट है, GN डाइवर्जेंट है, और थर्ड ऑप्शन में कह रहा है दोनों डाइवर्जेंट है, जो कि गलत है। सो ओनली द ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोगों ने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको यहीं पे बता देंगे। देखिए कह रहा है फर्स्ट सीक्वेंस SN वेयर SN इज 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इज कन्वर्जेंट। सेकेंड में क्या कह रहा है, द सीक्वेंस SN वेयर SN क्या कह रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 … इज डाइवर्जेंट, राइट। थर्ड में क्या कह रहा है,
कह रहा सीरीज, देखिए पहला दोनों सीक्वेंस था और सीक्वेंस दोनों सेम है, एक में सीक्वेंस में कह रहा है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, दूसरे में कह रहा है डाइवर्जेंट होगा, थर्ड में क्या कह रहा है द सीरीज 1+1/2+1/3+1/4... इज कन्वर्जेंट। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है आपसे कि ये सीरीज बना रहा किससे 1+1/2 1/3 इन सबको समेशन करके और कह रहा है ये कन्वर्जेंट होगा, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि दिस इज डाइवर्जेंट। तो देखिए ये मोर देन वन ऑप्शन वाला है, इसमें आप जानते हैं सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में कैसे टेस्ट करते हैं, अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट है तो एन टेंस टू इनफाइनाइट है और ये कई बार आपने सॉल्व भी किया हुआ है इससे पहले भी, 1/n क्या है एन टेंस टू इनफाइनाइट 0 दैट इज कन्वर्जेंट होगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा जो सीक्वेंस दिया है दैट इज कन्वर्जेंट, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फाइनाइट और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए जैसे ही एन टेंस टू इनफाइनाइट करें सीक्वेंस के केस में। अब सीरीज वाले में आ जाइए, ये सीरीज अभी जस्ट इससे पहले वाला प्रॉब्लम 24 में भी आपने सॉल्व किया, देखिए ये समेशन क्या है 1/n और पी टेस्ट से हम क्या ऐसे बता सकते हैं, पी टेस्ट से बता सकते हैं ये जो एन पे पावर पी है दैट इज वन, और अगर वन हो गया तो समेशन क्या आपको क्या बताता है ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, सो दिस इज डाइवर्जेंट। सो अच्छा कौन कौन सा ऑप्शन अब करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड डी, क्योंकि तीसरे वाले में देखिए कह रहा है सीरीज कन्वर्जेंट है जबकि निकला क्या डाइवर्जेंट, तो सीक्वेंस जो दिया हुआ था वो कन्वर्जेंट था और सीरीज जो दिया हुआ था वो डाइवर्जेंट था, सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर करेक्ट इन दिस केस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है इससे पहले एक छोटा सा टेस्ट देखेंगे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है काशी इंटीग्रल फार्मूले, काशी इंटीग्रल टेस्ट करते हैं बेसिकली, इसमें काशी इंटीग्रल टेस्ट से भी हम किसी जो सीरीज दिया हुआ है उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके पास इस तरीके से सीरीज दिया है सीरीज 1 to infinite un एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to infinite, ध्यान दीजिएगा ये a to infinite कन्वर्जेज आर डाइवर्जेस टूगेदर, एक साथ डाइवर्ज होंगे जहां पे a की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी, इसी इंटीग्रल को डिफाइन करा, मतलब ux इस a के ux कहां से कहां तक रेंज a to infinite राइट, वो ux जो फंक्शन होगा डिफाइंड होगा यही un से ही बना हुआ है ये ux राइट, तो हम इंटीग्रल इसका अगर निकाल लें प्रॉपर इंटीग्रल और अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगा, अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज डाइवर्ज करेगा। अच्छा इसमें यूएक्स क्या होना चाहिए, यूएक्स पहली चीज जो दिया है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए इस इंटीग्रल इस इंटरवल में ए टू इनफाइनाइट में, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए राइट। तो चलिए देखते हैं इस पे बेसिस एक प्रॉब्लम है जो मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, द सीरीज समेशन एन फ्रॉम 1 to infinite 1/n² + 1 इज, पहला क्या कह रहा है कन्वर्जेंट होगा, बी ऑप्शन कह रहा है नॉट कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन कह रहा है कन्वर्जेंट टू 5/4, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डाइवर्जेंट। देखिए ये भी मोर देन वन ऑप्शन इसमें करेक्ट है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो इसमें अभी जैसे आपको बताया समेशन 1/un = summation 1/n² + 1 ये आपको दिया है, हम इसको जो अभी एक इंटीग्रल टेस्ट बताया उससे भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका एक फंक्शन बनाइए ux क्या हो जाएगा यहाँ से ux 1/x² + 1, देखिए यही समेशन था 1/n² + 1 वहां से मैंने क्या बना लिया 1/x² + 1 फॉर द इंटरवल 1 to infinite, ये फंक्शन डिफाइन किया है 1 to infinite वेयर ux इज ग्रेटर देन 0, आप देख भी सकते हैं ux ग्रेटर देन 0 होगा किसमें, अगर 1 to infinite कोई वैल्यू आप इसमें ले लेते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 राइट। अब देखिए ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, देख लीजिए आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इसमें कुछ भी पुट करिए 1 to infinite सब क्या होगा 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, तो नेचुरल सी बात है डिक्रीज करें। अच्छा देखिए ए टू इनफाइनाइट यू एक्स डी एक्स, तो हमने लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट किया 1 to n
जैसा कि अभी आपको टेस्ट में बताया a टू इनफाइनाइट, ठीक है, यू एक्स डी एक्स। अब इसको भी चेक करते हैं, ये जो इंटीग्रल है अपना un से ही हमने क्या बनाया, ux को बनाया, तो n टेंस टू इनफाइनाइट और इसकी लिमिट होगी 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू n कर देते हैं, ठीक है, n अभी हमने ले रहे हैं, और ux dx। तो यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। चूंकि हम अभी पहले लिमिट लेके चेक करेंगे, इस अंतर हमने इनफाइनाइट की जगह क्या किया, n कर दिया पहले से, ठीक है। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखिए किसका इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है tan इनवर्स x का, सो tan इनवर्स x और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 टू n। तो यहाँ पे अगर n अपर लिमिट इसको ओपन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अगर यहाँ पे कहा जाएगा tan इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, ये पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, दिस इज पाई बाई 2, और 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, सो दिस इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4। सो बाई कासी इंटीग्रल टेस्ट हम क्या बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किसको, पाई बाई 4 को। तो जैसे ही n टेंस टू इनफाइनाइट किया, क्या हुआ, ये कन्वर्ज कहाँ किया, पाई बाई 4, सो ये कन्वर्ज कर रहा, और कन्वर्ज किसको कर रहा, पाई बाई 4। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट किसको है, पाई बाई 4 को, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट इन दिस केस। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम हर मेथड से दो चार प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लें, जिससे जैसे एग्जाम में बैठे हमको अगर एक मेथड लग रहा है इससे नहीं हो पा रहा तो किसी और मेथड से ट्राई करें और प्रॉब्लम छूटे ना। ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और सीरीज के कन्वर्जेंट से प्रॉब्लम जरूर आता है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट से प्रॉब्लम जरूर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉब्लम, आगे प्रॉब्लम देखिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे मैंने प्रॉब्लम लिया है, और बेसिकली अब जो प्रॉब्लम लिया है मैंने वो सी एस आई आर नेट में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो देखिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, तो इसके लिए MN टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है। इसके बाद मैंने एक और टेस्ट किया है डिस्ट्रेस M टेस्ट से भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको मैं बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को कैसे MN टेस्ट से टेस्ट करते हैं, और उसके बाद मैंने तीन चार प्रॉब्लम लिया है जो CSIR में आए हुए हैं पार्ट सी का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे, उन प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो देखिए लेट fn x बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, कोई आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया रहेगा fn x सच दैट, तो कैसे MN टेस्ट से करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पहले निकालेंगे। देखिए पहले हम इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट निकालते हैं, पॉइंट वाइज का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x की कोई पर्टिकुलर हम वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कन्वर्जेंट है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn x और उसकी वैल्यू मान लीजिए fx आ गया, तो अगर ये फाइनाइट और यूनिक है, क्या है fx की वैल्यू क्या है, फाइनाइट और यूनिक, ये तो कन्वर्जेंट होता है, देन वी से दैट दिस इज कन्वर्जेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि n टेंस टू इनफाइनाइट fn x निकालेंगे, fx होगा जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट उसको बोलेंगे। x कहाँ बिलोंग करेगा, जितने भी x होंगे वो क्या है किसी इंटरवल ab में बिलोंग करेंगे। एंड हम अब mn निकालेंगे, mn क्या है सुप्रीमम निकालेंगे उसी रेंज के लिए x बिलोंगिंग टू ab, मॉड ऑफ fn x माइनस fx, fn x आपका फंक्शन दिया हुआ था और fx अभी आपने पॉइंट वाइज निकाला कन्वर्जेंट, सो सुप्रीमम इसका निकालेंगे मॉड ऑफ fn x माइनस fx। अब देखिए कब बोलेंगे कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सो fn x इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f ऑन ab इफ एंड ओनली क्या हो जाए, ये जो mn आपने निकाला है ये टेंस टू जीरो हो जाए एज n टेंस टू इनफाइनाइट। अगर इस mn की वैल्यू जीरो हो गई एज n टेंस टू इनफाइनाइट तो हम बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया था ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको जो फंक्शन दिया हो उसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट निकाल लीजिए fx की वैल्यू, और इस fx कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ फंक्शन था fn x उसको मॉड के साथ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए fn x माइनस fx,
और ये जो एम एन निकला इसकी सुप्रीमम हम वैल्यू ले लेंगे, और अगर ये टेंस टू जीरो करता है एज एन टेंस टू इन्फाइनेट तब हम बोलेंगे कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। बहुत ही आसान है, एम एन टेस्ट से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, या फिर विस्टर्स एम टेस्ट है अगर एग्जाम में आता है। कोई और जो जनरल फॉर्म है अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का उससे टेस्ट करने लगे तो बहुत टाइम टेकिंग काम है, ठीक है। और ये बहुत आसान है, देखिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 का प्रॉब्लम है, पार्ट सी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेसिकली मैंने पॉइंट वाइज से लिया है, अभी आपको पॉइंट वाइज बताया। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो उसको बोलेंगे, यही एक्स जो दिया है, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन जो दिसंबर 2016 में आया है, पार्ट सी का है। कह रहा है लेट एफ एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर एन, वेयर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो वन, ठीक है। देन ट्रू स्टेटमेंट इज, कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस ऑफ एफ एन। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस की बात किया, सिक्वेंस उसके बाद सब सिक्वेंस। एफ एन एक्स हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस, कह रहा है कोई भी इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस नहीं है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एफ एन हैज कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज एवरीवेयर, हर पॉइंट पे ही कन्वर्जेंट है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है हर पॉइंट पे। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एफ एन हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, केवल इसके पास एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस है। तो देखिए एक में सिर्फ पूछा हुआ है कन्वर्जेंट थर्ड में, बाकी सब में सबसिक्वेंस की बात किया है। ध्यान दीजिएगा सब में सबसिक्वेंस। तो सबसे पहले आप भी जैसे आपको बताया कि सबसिक्वेंस कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करेंगे पॉइंट वाइज, तो इसको लिए कुछ नहीं करना है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट करिए, एफ एन एक्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करिए, ठीक है। चलिए एन टेंस टू इनफाइनाइट इस सीक्वेंस को हम चेक करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स जो फंक्शन दिया। अच्छा देखिए इस पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स की वैल्यू जीरो और वन, बाउंड्री पे चेक करते हैं पहले। एक्स इक्वल टू अगर जीरो पुट करिए, एन टेंस टू इनफाइनाइट करिए, कुछ भी पुट करिए ये जीरो ही आएगा। अगर एक्स की वैल्यू जो आपने जीरो पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी एक्स इज टेंस एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है क्योंकि फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे रहा है। अब चलिए वन पे चेक करते हैं, वन पे अगर हम चेक करें तो क्या होगा, यहां से एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिए माइनस वन पे पावर एन, अब दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी ये है अगर एन की वैल्यू इवन है, इवन नंबर टू है, फोर है, सिक्स है, तो माइनस वन पे पावर टू, माइनस वन पे पावर फोर, माइनस वन पे पावर सिक्स, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू वन देगा, राइट। और अगर ऑड है तो क्या होगा, माइनस वन देगा। यानी एक्स इज इक्वल टू वन पे ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया दो वैल्यूज दे रहा, वन और माइनस वन, यानी फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है। यानी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की अगर बात करें तो हर पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट नहीं है। इस पॉइंट पे देखिए जीरो पे तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, एक्सक्वल टू जीरो पे ये क्या दे रहा, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे रहा, सिर्फ जीरो। लेकिन अगर एक्सक्वल टू वन पे हमने चेक किया तो ये यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है। एक बार एन टेंस टू अगर एन इवन है तो वन दे रहा है, अगर ऑड है तो माइनस वन। यानी हर पॉइंट पे ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या लिखा है, एफ एन हैज ए कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज एवरीवेयर। तो पॉइंट वाइज हर जगह तो नहीं है, वन पे तो फेल कर गया, फाइनाइट आया लेकिन यूनिक नहीं आया। कन्वर्जेंट की मीनिंग क्या है, फाइनाइट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। एक पॉइंट पे तो यूनिक आया लेकिन एक पॉइंट पे यूनिक नहीं आया, तो ये रॉन्ग है। अब देखिए बाकी जितने भी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ये सब सीक्वेंस पे पूछा हुआ है, तो इसका सब सीक्वेंस निकालते हैं। सब सीक्वेंस देखिए एन की जगह हम टू एन पुट कर दें, एन की जगह थ्री एन पुट, मतलब उसी का छोटा सा सबसेट निकालें, राइट। तो देखिए अगर मैं टू एन ले लेता हूं, एक सब सीक्वेंस लेता हूं और उस पर चेक करता हूं, टू एन लीजिए माइनस एक्स पावर टू एन, और जो अभी मैंने काम किया वही काम फिर करते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करिए तो ये हमेशा जीरो आएगा, और मैं अगर वन पुट करता हूं, अब देखिए माइनस वन पे पावर टू एन ये इवन है, जो पावर क्या है, इवन है, तो हमेशा आएगा वन। यानी
ये सब सीक्वेंस जो है ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट है, क्योंकि कोई भी थ्री एन लेंगे वो भी माइनस वन ही आएगा, राइट। क्योंकि यहां पे देखिए सॉरी, अगर थ्री एन इसमें एक्स की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो ये हमेशा फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा फॉर टू एन, राइट। तो अब इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, इसे जीरो और वन के अंदर की बात कर रहा हूं, जीरो और वन के अंदर ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू हर पॉइंट पे देगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एफ एन, यस एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, यही तो हमने सबसीक्वेंस निकाला, पॉइंट वाइज सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, कितना कर रहा है ये नहीं बोला है, बस एग्जिस्ट कर रहा है, यस एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है एफ एन हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कह रहा है कोई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है ही नहीं, जबकि क्या है दोनों पॉइंट पे चाहे x इक्वल टू जीरो पे चाहे x इक्वल टू वन दोनों पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी को पहले ही रॉन्ग कर चुके हैं हम, ऑप्शन नंबर डी कह रहे एफ एन हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, केवल एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा, जबकि आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा x इक्वल टू जीरो पे भी ये कन्वर्जेंट है और x इक्वल टू वन पे भी, कह रहा वो सिर्फ वन पॉइंट पे होगा, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक पे नहीं दोनों पॉइंट पे ये कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, राइट। सो इस ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें केवल कितना ऑप्शन सही है, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सी डी आर रॉन्ग। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 28। देखिए अब एक और मैंने टेस्ट लगाया, देखिए हर टेस्ट आपको करके चेक कर लेना, हर टेस्ट की मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, जिससे कंपटीशन के एग्जाम में अगर कुछ भी आवे, किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आवे, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। कोई भी वैरायटी आप प्रॉब्लम अगर कन्वर्जेंट पे आता है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पे आता है, तो उसे आसानी से कर लें, मतलब 100% फिक्स है, जो भी टॉपिक हम करें इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें कि वो हमारा क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है। नाउ देखिए एक और टेस्ट है जिसके थ्रू हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को चेक कर सकते हैं, द टेस्ट इज विस्ट्रेस एम टेस्ट। विस्ट्रेस एम टेस्ट से भी हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को चेक कर सकते हैं या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए क्या है, अगर एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन एक्स, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया है विच इज फ्रॉम सेट एक्स टू आर, इफ हम इसका मॉड निकालें, किसका एफ एन एक्स का, विच इज लेस देन आर इक्वल टू एम एन, अगर हम इसका मॉड निकालें और लेस देन आर इक्वल टू एम एन हो गया, जो कि क्या है एम एन आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए, अगर आपने मॉड निकाला उस फंक्शन का, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, और लेस देन आर इक्वल टू एम एन, और एम एन अगर कन्वर्जेंट है, तो हम कंपेरिजन टेस्ट से बोल सकते हैं कि एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, राइट, और इसी को बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो विस्ट्रेस एम टेस्ट से कहता है कि अगर मॉड निकालते हैं आप और मॉड निकालने के बाद वो जिस वैल्यू से कम होगा अगर वो कन्वर्जेंट हो गया, तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। सो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2016 का प्रॉब्लम है, पार्ट सी का। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई टू पाई। देखिए ये पार्ट सी का दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है, ये इसी विस्ट्रेस एम टेस्ट का ही हम यूज करेंगे। कह रहा है पहला, समेशन एन फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एन मॉड एक्स अपॉन एन क्यूब। सेकेंड कह रहा है समेशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट साइन एक्स एन बाई एन रेज टू द पावर फाइव। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एन फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट एक्स बाई एन रेज टू द पावर एन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एन फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एक्स प्लस पाई एन रेज टू पावर टू। अब इसमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, कौन सा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो देखिए ये अगर इसका मॉड निकाल लें हम एफ एन एक्स का, तो देखिए ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है ई पे पावर माइनस एन
मॉड एक्स। इसको देखिए, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होंगी। क्यों? क्योंकि ई को अगर आप माइनस को नीचे लाएंगे, वन अपान ई पे पावर मॉड एक्स, ध्यान दीजिएगा मॉड एक्स, ई की वैल्यू जो भी 2.71 के आसपास रखेंगे और इसकी वैल्यू वन अपान करेंगे, हमेशा लेस देन वन आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो टोटल की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन आर इक्वल टू वन। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वन आएगा तो लेस देन आर इक्वल टू वन अपान एन क्यूब लिख सकते हैं। और अभी आपको बताया पी टेस्ट आपने किया, वन अपान एन क्यूब, समेशन वन अपान एन क्यूब कैसे टेस्ट कर सकते हैं, दिस इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट, राइट। तो पी टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं, पी का पावर क्या है, पी रेज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है, यहाँ पे थ्री है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। यानी इस बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं, एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सेकेंड पे आ जाइए, सेकेंड है दिस मॉड लीजिए एफ एन एक्स का, किसका, साइन एक्स पाई अपान एन पाई, और जानते हैं साइन एक्स पाई की वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू वन होगी फॉर द रेंज माइनस पाई टू पाई। तो क्या हो जाएगा, विच इज लेस देन आर इक्वल टू वन अपान एन रेज टू द पावर पाई, और क्या होगा, फिर पी टेस्ट हम लगा सकते हैं, पी टेस्ट से बता सकते हैं दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और एफ एन एक्स उससे छोटा है, तो बाय विस्ट्रेस एम टेस्ट क्या बता सकते हैं कि दिस सीरीज इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नाउ मूव ऑन ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड ऑप्शन में विस्ट्रेस एम टेस्ट अभी लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, पहले देख लें। देखिए अगर एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या है, पावर के फॉर्म में, यू एन पे पावर वन बाई एन, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स बाई एन दिया है पावर एन इंटू वन बाई एन, एन एन कैंसिल करें तो क्या बचेगा, एक्स बाई एन, एन टेंस टू इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा, जीरो। अच्छा अगर हम मॉड लें, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया था मॉड ऑफ दिस, तो विच इज लेस देन क्या होगा, दिस वन अपान एन से लेस देन होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो के बराबर। देखिए मॉड ऑफ एफ एन एक्स इज लेस देन एम एन, और हमने इसको एम एन सपोज कर दिया, किसका, जो हमने अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन निकाला, राइट। सो हम इसका क्या लिख सकते हैं, विच इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे जीरो जीरो आ रहा है, यानी फाइनाइट यूनिक आ रहा है, उससे छोटी वैल्यू है, तो विस्ट्रेस एम टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं, वो भी कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। ऑप्शन नंबर थर्ड था, ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ लिख दिया हमने। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, फोर्थ पे आ जाइए, एक्स प्लस पाई एन स्क्वायर, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर विच इज लेस देन आर इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा वन अपॉन एन स्क्वायर, और फिर हम पी टेस्ट से क्या बता सकते हैं कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज लेस देन वन अपॉन एन स्क्वायर, और वन अपॉन एन स्क्वायर पी टेस्ट से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम क्या बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो ऑल द फोर्थ ऑप्शन, फोर ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस केस। तो देखिए दिसंबर 2016 में CSIR में आया हुआ है, और इस प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें चारों ऑप्शन आपके करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन है, जो CSIR में आ सकता है इस तरीके का प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, पहला कह रहा है फॉर पी इज ग्रेटर देन जीरो द सीरीज वन अपान वन पे पावर पी माइनस वन अपान टू पे पावर पी प्लस वन अपान थ्री पे पावर पी माइनस वन अपान फोर पे पावर पी प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट। सेकेंड कह रहा है द सीरीज वन माइनस वन अपान टू क्यूब दिया है, देखिए इसमें पी दे दिया था, इसमें क्यूब दिया है, वन माइनस वन अपान टू क्यूब प्लस वन अपान थ्री क्यूब माइनस वन अपान फोर क्यूब डॉट 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 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ध्यान दीजिएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अभी हमने आपको एक विस्ट्रेस एम टेस्ट से देखा भी क्या है, मतलब मॉड लेने पे अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है। तो थर्ड सीरीज द सीरीज वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर डॉट डॉट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात कर रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है नन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए हमें सही ऑप्शन चूज करना है, तो देखिए कन्वर्जेंट ये है अल्टरनेटिंग सीरीज, और अल्टरनेटिव सीरीज को चेक करने का कौन सा तरीका है, लेबनीज़ टेस्ट। लेबनीज़ टेस्ट क्या कह रहा है, अगर कोई भी अल्टरनेटिव सीरीज है
पावर, अब माइनस पावर छोड़ दीजिए, जो सीक्वेंस बना वन अपान एन पे पावर पी, यही बना सीक्वेंस। ये पहला क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो देखिए अगर आप इसको लीजिए नेचुरल नंबर के फॉर्म में, तो पी जो भी नंबर है पी ग्रेटर देन जीरो, हर वो पी ग्रेटर देन जीरो के लिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। करके आप देख लीजिए, वन टू थ्री पुट करते जाइए एन की जगह, पी ग्रेटर देन जीरो पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अब एन टेंस टू अगर हम इनफाइनाइट करें तो देखिए इसका एनर टर्म क्या होगा, इसका एनर टर्म जो है वन अपान एन पे पावर पी, यही तो इसका एनर टर्म होगा। एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे ये आ गया आपका जीरो। तो अल्टरनेटिव सीरीज के लिए लेबनीज़ टेस्ट क्या कहता है, पहला जो सीक्वेंस बने समेसन वन अपान माइनस वाले टर्म को छोड़ दीजिए, सीक्वेंस वन अपान एन पे पावर पी, तो वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। सेकंड अगर मैं एन टेंस टू इनफाइनाइट करूँ उस एन टर्म का तो जीरो होना चाहिए। तो अगर यहाँ एन टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे वन अपान इनफाइनाइट दैट इज जीरो, तो ये लेबनीज़ टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं कि इट इज कन्वर्जेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए ये भी अल्टरनेटिव सीरीज है लेकिन हमें यहाँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट निकालना है। देखिए कभी भी कंफ्यूज ना हो, ये जो चीज वर्ड दिया उस वर्ड को आपको ध्यान से, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात कर रहा है, यानी मॉड लेने पे क्या ये कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए अगर मैं मॉड ले लूँ इसका समेसन यूएन का, तो हो जाएगा जहां जहां माइनस था सारे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो इट इज वन प्लस वन अपॉन टू क्यूब प्लस वन अपॉन थ्री क्यूब प्लस वन अपॉन फोर क्यूब डॉट डॉट डॉट। अच्छा देखिए मॉड लेने पे क्या बना, समेसन वन अपॉन एन क्यूब, अब वो माइनस वाला टर्म नहीं रह गया इसमें, सारे टर्म क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। और मॉड लिया तो देखिए मॉड टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं, ये अभी क्या है, ये बाय पी टेस्ट से हम बता सकते हैं कि ये समेसन जो मॉड लेने पे आया वो क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि थ्री आ गया। पी की वैल्यू पी टेस्ट से क्या बता, पी की वैल्यू थ्री है, थ्री इज ग्रेटर देन वन, सो इट इज कन्वर्जेंट। सो ये क्या हो जाएगा, मॉड चूंकि लेने पे कन्वर्जेंट आया तो इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कंडीशनली कन्वर्जेंट। अच्छा कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, पहला वो जो जो भी सीरीज दिया है वो कन्वर्जेंट हो लेकिन अगर उसका मॉड ले तो डाइवर्जेंट हो जाए, यही तो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट का क्या कहता है कि वो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा लेकिन मॉड लेने पे वो डाइवर्जेंट हो जाए, उसको बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो आपका जो सीरीज दिया वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, देखिए इसको हमने कई बार लेबनीज़ टेस्ट से इससे पहले भी टेस्ट कर चुके हैं। तो ये जो आपका दिया हुआ है सीरीज वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर डॉट डॉट डॉट। अच्छा अभी जस्ट इससे पहले हमने प्रूव किया है कि लेबनीज़ टेस्ट लगाने क्या होना चाहिए, पहला जो भी सीक्वेंस फॉर्म हो अगर माइनस वाले टर्म को हम छोड़ दें, माइनस मतलब माइनस साइन को छोड़ दें सॉरी, तो ये क्या बनेगा, वन प्लस वन बाई टू वन कामा वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर, ये जो सीक्वेंस हो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। तो वन बाई टू इज लेस देन वन, वन बाई थ्री इज लेस देन वन बाई टू, वन बाई फोर इज लेस देन वन बाई थ्री, सो दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, पहला कंडीशन है। दूसरा लेबनीज़ टेस्ट लगाने क्या होना चाहिए, एनर टर्म क्या होना चाहिए, जीरो, तो इसका एनर टर्म क्या हो जाएगा, वन बाई एन, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट जैसे ही लेंगे यूएन पे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन बाई एन दैट इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लेबनीज़ अल्टरनेटिव सीरीज को कैसे चेक करते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए और एनर टर्म जीरो होना चाहिए, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स दैट द गिवन अल्टरनेटिव सीरीज सॉरी अल्टरनेटिव या सीरीज इज कन्वर्जेंट। नाउ वी चेक वेदर इफ वी टेक मॉड ऑफ दिस सीरीज देन वेदर इट इज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट। तो देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट यही होता है कि अगर समेसन लेने पे सॉरी मॉड लेने पे वो डाइवर्जेंट हो गया तो कंडीशनली कन्वर्जेंट, अगर ये मॉड लेने पे भी ये कन्वर्जेंट हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता, राइट। तो अगर इसका मॉड लें तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर डॉट, तो समेसन वन बाई एन। और देखिए ये समेसन अभी पी टेस्ट से हम क्या बता सकते हैं, बाई पी टेस्ट
इट इज डाइवर्जेंट. क्यों? क्योंकि यहां पे पी की वैल्यू है क्या, पी इज वन, सो इट इज डाइवर्जेंट. सो अगर जो सीरीज दिया हुआ था वो तो कन्वर्जेंट था, लेकिन उसका मॉड लेने पे क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया. तो हम क्या बोलेंगे, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट है. कंडीशन मतलब ये एक कंडीशन के लिए देखिए क्या हो गया, फेल कर गया. अगर मॉड हमने क्लियर दिया तो ये फेल. अगर मॉड पे भी ये कन्वर्जेंट हो जाता तो हम इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. तो इसमें दिया भी हुआ था कि कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, तो द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. सो देखिए इस ए बी और सी इस प्रॉब्लम के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी कह रहा नन ऑफ द एबव, ये तो गलत हो गया क्योंकि तीनों ही सही हैं, तो नन ऑफ द एबव तो कोई मतलब नहीं है. ऑप्शन नंबर ए बी सी आर करेक्ट. तो देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम सीएसआईआर में आते हैं, और बस अगर हमें डिफिनीशन थोड़ी पता हो तो हम प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. और जो भी मैं इधर जितने भी मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाए, इन सारे शॉर्टकट को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे साइड में आप लिखते चलिए शॉर्टकट को, जो भी मेथड आपको बताया, राइट. और प्रॉब्लम बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा. एक फॉर्मूला आप बना लीजिए, जितने भी मैंने लेबनीज़ टेस्ट है, पी टेस्ट है, जो साइड में लिखवा रहा. चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है पार्ट सी का है, और ये प्रॉब्लम आपका जून 2015 में आया हुआ प्रॉब्लम है. अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट सी का है, इसका मतलब इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. कह रहा लेट ए बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल आर कन्वर्जेंट. तो पूछ रहा कौन सा इंटीग्रल जो दिया गया है वो कन्वर्जेंट होगा. अच्छा कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू हो वो जो दिया हुआ है वो फाइनाइट और यूनिक हो, एज एन टेंस टू इनफाइनाइट. क्योंकि इंटीग्रल दिया है तो इस इंटीग्रल की डायरेक्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करें और देखते हैं क्या इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है. फॉर द गिवन ए इज पॉजिटिव रियल नंबर. तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, जीरो टू ए वन अपान एक्स रेज टू द पावर फोर डी एक्स. सेकेंड कह रहा है इंटीग्रल जीरो टू ए वन अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स. थर्ड कह रहा है इंटीग्रल फोर टू इनफाइनाइट वन अपान एक्स लॉग एक्स डी एक्स. एंड द फोर्थ इज दैट इज इंटीग्रल 5 टू इनफाइनाइट 1 बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स सॉरी लॉग एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखिए हमें यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, इस पे चारों की वैल्यू हम इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं. तो फर्स्ट पे देखिए 0 टू a 1 अपान x रेज टू द पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करिए. इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x पे पावर 4 है ऊपर ले जाएंगे x पावर माइनस 3 होगा, राइट सॉरी माइनस 4 होगा. और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस 4 प्लस 1 अपान माइनस 4 प्लस 1 तो जाएगा x पावर माइनस 3 बाई माइनस 3. अच्छा 0 टू a वैल्यू इसमें पुट करेंगे जब आप, तो माइनस 1 बाई 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपान x क्यूब. 0 टू a पुट करिए, a पुट करेंगे जब अपर लिमिट 1 अपान a क्यूब, और लोअर लिमिट पुट करेंगे आप इसमें. अगर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस वन अपान जीरो, देखिए माइनस माइनस का प्लस, वन अपान जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा. और एक छोटी वैल्यू से इनफाइनाइट ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट. यानी ये जो हमने इंटीग्रल निकाला इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा. तो पहला वाला तो करेक्ट नहीं है. सेकेंड पे आइए, सेकेंड कह रहा है इंटीग्रल 0 टू a 1 अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स. तो इसको भी जरा इंटीग्रेट करिए, तो रूट एक्स है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा पावर, और x पावर माइनस 1 बाई 2 है, प्लस करेंगे माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपान माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट एक्स आ जाएगा, राइट. और इसकी लिमिट क्या है, 0 टू a, तो इसमें वैल्यू पुट करिए 2 रूट ए माइनस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ ए ही बचेगा 2 रूट ए. और देखिए ए की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में दिया है, इट इज पॉजिटिव रियल नंबर. तो पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं फाइनाइट होनी है, राइट.
तो अगर फाइनाइट वैल्यू है तो हम क्या बता सकते हैं इसे, दिस इज फाइनाइट हेंस इट इज कन्वर्जेंट, फाइनाइट यूनिक है तो कन्वर्जेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर ए के लिए। चलिए आते हैं थर्ड ऑप्शन, देखिए क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 4 to ∞ x log x dx। तो देखिए इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो आप जानते हैं log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x। तो हम log x को t सपोज कर लेते हैं या p सपोज कर लेते हैं, log x इक्वल टू p, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dp। तो यहाँ पे 1/x की dx की जगह हम dp पुट कर सकते हैं और log x p, तो 1/p dp हो जाएगा सिंपली, राइट। यहाँ मैंने dx लिख दिया गलती से, dp है, 1/p dp। और देखिए यहाँ 4 पुट करेंगे तो हमें चूंकि इंटीग्रल p के फॉर्म में पुट करना है तो 4 पुट करेंगे, p की वैल्यू क्या है, log 4, और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट ही हो जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, log 4 टू इनफाइनाइट। अच्छा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log p होगा, और log p होगा इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट p की जगह तो इनफाइनाइट होगा, माइनस log लोअर लिमिट log 4 हो जाएगा, p की जगह log 4 पुट कर दीजिए, तो देखिए ये भी log इनफाइनाइट है, दैट इज इनफाइनाइट। और यानी ये भी ऑप्शन नंबर्स जो थर्ड है ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनफाइनाइट दे रहा, फाइनाइट और यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा, यानी ये भी डाइवर्जेंट होगा। चलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आते हैं। ऑप्शन नंबर फोर क्या कह रहा है आपसे, ऑप्शन नंबर फोर इज 5 to ∞ 1/x log x स्क्वायर dx। देखिए इसमें क्या था, x log x था, लेकिन यहाँ log x स्क्वायर है, तो हम सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज कर रहे हैं, log x की जगह हम p पुट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगा, 1/x dx इक्वल टू dp, तो यहाँ पे देखिए सेम हो जाएगा, 1/x dx की जगह मैं लिख दूंगा dp, और 1/ log x की जगह p है तो log 1/p स्क्वायर, राइट। और अपर लिमिट अगर बात करें इनफाइनाइट, तो यहाँ पे log इनफाइनाइट पुट करेंगे दैट इज इनफाइनाइट, और 5 जब पुट करेंगे तो log 5 हो जाएगा, यानी log 5 टू इनफाइनाइट 1/p स्क्वायर dp। अब देखिए अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1/p। देखिए ये p पे पावर -2, तो इसको p पे पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 + 1/-2 + 1, तो हो जाएगा -1/p सिंपली बचेगा, राइट, क्योंकि p पे पावर -1 आएगा, उसको हम क्या लिख दिया, 1/p। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो माइनस और अपर लिमिट अगर पुट करते हैं 1/∞ दैट इज 0 माइनस 1/ लोअर लिमिट log 5, तो माइनस माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये तो 0 था पहला वाला, तो ये हो जाएगा log 5, और वही क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी ये भी क्या होगा, ये आपका कन्वर्जेंट होगा क्योंकि फाइनाइट और यूनिक वैल्यू दे रहा है, राइट। तो देखिए इस पूरी प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, हमने यही सिंपली देखा कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, इसमें पूछा था कौन सा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, तो आपने सिंपली देखिए ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, और इसमें इंटीग्रल भी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हमने इसमें देखा कि ऑप्शन नंबर सेकंड फाइनाइट वैल्यू दिया और ऑप्शन नंबर फोर्थ इज फाइनाइट वैल्यू, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट हो जाएंगे, बाकी ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आपने इसमें देखा कि आसान सा प्रॉब्लम है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आपको बताया क्वेश्चन नंबर 28, इसमें जो मैंने विस्ट्रस एम टेस्ट बताया, इन सारे टेस्ट को आप साइड में कहीं नोट डाउन करिए, जिससे इसके आगे में बहुत सारे प्रॉब्लम आप जो सॉल्व करने वाला हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर में CSIR में आया है या गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है या किसी और भी एग्जाम में आया हुआ है, उसमें आप बार बार मैं ये जनरल फॉर्म नहीं लिखने वाला, तो आप इसे शॉर्टकट में नोट कर लीजिए। इसी तरीके से जो हमने MN टेस्ट लगाया था, MN टेस्ट में भी आपको बताया था कि MN टेस्ट को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, कि जो भी यहाँ आपको शॉर्टकट बताया है इनको साइड में कहीं नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम और भी प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको यस काशी इंटीग्रल टेस्ट बताया,
जितने टेस्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इन सारे टेस्ट को शॉर्ट में नोट करिए, क्योंकि हमें वैरायटी या प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कोई भी मेथड हमें छोड़ना नहीं है। जितने भी मेथड हैं इन सारे मेथड को हमें कवर करना है। और आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरीज है तो उसे भेजिए, मैं उसे पूरी तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अभी जस्ट मैंने एक मैसेज रिसीव किया जिसमें एक लोगों ने यह भी भेजा है कि सर कम्पैक्टनेस पे आप इसमें कम्पैक्ट पे आप इंक्लूड करिए। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि जितना जल्दी ये सीक्वेंस और सीरीज़ के प्रॉब्लम कवर हो जाएं। जैसे इसमें अभी बचा हुआ है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सीक्वेंस की, उसमें भी उससे रिलेट करके क्वेश्चन आता है, तो मैं अभी कोशिश करूँगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे, जो मिक्सिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी मैं करा दूँ जिससे कोई प्रॉब्लम इसमें छूटे न। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी टॉपिक हैं जो अगले वीडियो लेक्चर या अगले क्वेश्चन पार्ट में रहना चाहिए तो उसे आप बताइए, मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। राइट।